हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक टॉपिक प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में हम पहले प्रोजेक्शन करने के लिए चार क्वाड्रेंट्स के बारे में समझते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी ग्राफ पेपर में जब हम कोई चीज सॉल्व करते हैं तो वो चार क्वाड्रेंट्स में शो किया जाता है। तो कभी भी इस लाइन में ये जो लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के रूप में शो करते हैं। वर्टिकल लाइन जो होती है उसे हम वर्टिकल प्लेन के रिस्पेक्ट में शो करते हैं। और इस दोनों के बीच में, इस दोनों प्लेन के बीच में एक चार क्वाड्रेंट बनता है, जिसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर पोजीशन की बात करूं, या अगर हम मानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, दैट इज, जैसे इसके टोटल चार केस होते हैं, जिसमें से सबसे पहला केस है कि ए पॉइंट सिचुएटेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या है, हम कैसे समझें कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसका प्रोजेक्शन कैसा बनेगा, उसका इमेज कैसा बनेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसकी पोजिशन को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये एक पॉइंट ए है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सबसे पहले हमको इसका एचपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के रिस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो वो एचपी से ऊपर दिख रहा है और वीपी के सामने दिख रहा है। ठीक है, तो हमेशा ये चीज याद रखना है कि इफ ए पॉइंट इज सिचुएटेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन इट विल बी ऑलवेज अबव द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ द वीपी। ठीक है, उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि मैंने किसी सेकेंड पॉइंट बी को, मान लीजिए कि हमने सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कराया है, तो ए पॉइंट सिचुएटेड इन सेकेंड क्वाड्रेंट, उस केस में इस सेकेंड क्वाड्रेंट में बी पॉइंट का प्रोजेक्शन कैसे बनाया जाएगा, वो समझने के लिए ये देखिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन का पोजिशन क्या है। तो आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये बी पॉइंट जो है वो ऊपर की ओर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें पॉइंट बी इज अबव द एचपी, मतलब ये एचपी से ऊपर है। देखिए दोनों केस में ये क्वाड्रेंट वन एंड टू दोनों जो है वो एचपी से ऊपर लाई करता है, इसलिए दोनों के केस में हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में एचपी से ऊपर माना है। लेकिन जब आप वर्टिकल प्लेन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो इसके राइट साइड है और सेकंड क्वाड्रेंट लेफ्ट साइड है। राइट साइड को हम सामने और लेफ्ट साइड को पीछे लेते हैं। तो उस हिसाब से पोजीशन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल प्लेन हम ये बोल सकते हैं कि इट इज बिहाइंड द वीपी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं बिहाइंड द वीपी, इसका मतलब क्या होता है, पीछे, मतलब पॉइंट बी जो है वो वर्टिकल प्लेन से पीछे की ओर स्थित है। ठीक है, इसके भी प्रोजेक्शन के बारे में समझेंगे। उसके बाद तीसरा आता है पॉइंट सिचुएटेड इन थर्ड क्वाड्रेंट। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा पॉइंट है, माना कि ये पॉइंट का नाम है सी, ये सी पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है, तो इसका पोजीशन एचपी और वीपी के रिस्पेक्ट में अगर हम समझें तो ये क्या होगा कि पॉइंट सी इज बिलो द एचपी, मतलब एचपी से नीचे है एंड वर्टिकल प्लेन से कहां है, फ्रंट है कि बिहाइंड, तो ये हम बोल सकते हैं कि इट इज बिहाइंड द वीपी, मतलब वर्टिकल प्लेन से पीछे है। तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि इट इज बिलो द एचपी, मतलब नीचे, और वीपी से पीछे है, तो बिहाइंड द वीपी, मतलब पीछे। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट या कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है तो वो एचपी से नीचे तथा वीपी से पीछे स्थित होगा। ठीक है, आगे देखते हैं केस नंबर फोर, ए पॉइंट सिचुएटेड इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये है कि जब कोई वस्तु फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करे तो उसका प्रोजेक्शन कैसे बनाया जाए। तो उस केस में माना कि एक पॉइंट ले लेते हैं डी जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित है। अब इसका जो पोजीशन है ये आप अब क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे बनाया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज बिहाइंड द एचपी, सॉरी बिलो द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ
वीपी, मतलब वीपी से सामने है और एचपी से नीचे है, तो यहां पर लिखा है बिलो द एचपी मतलब नीचे एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब सामने। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जब कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित होता है तो वो एचपी से नीचे तथा वीपी के सामने स्थित होता है। अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में हम कैसे बनाएंगे और इसका डिस्टेंस के हिसाब से हम इसका प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को ये और समझते हैं कि प्रॉब्लम में इस चारों क्वाड्रेंट्स को हम कैसे समझते हैं और कैसे बनाते हैं। तो माना, मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ए पॉइंट पी इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्टी एमएम above the HP and 25 mm in front of VP. Draw its projection. So, आपके पास ये क्वेश्चन है कि ए पॉइंट पी इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक पॉइंट पी है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है एंड इज 30 एमएम अबव द एचपी और एचपी से 30 एमएम ऊपर है एंड 25 एमएम इन फ्रंट ऑफ वीपी और वर्टिकल प्लेन से 25 एमएम सामने की ओर है, तो इस प्लेन का प्रोजेक्शन बनाए। ठीक है, तो सबसे शुरुआत से हम अगर इसका आंसर बनाना चाहें, इसका आंसर कुछ हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि सबसे पहले हमको इसका आंसर बनाने से पहले एक रफ में हमको एक दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेंट में कहां पे और कैसा स्थित है। तो ये रफली आप यहां पर कहीं भी बना सकते हैं, यहां हम लिख सकते हैं एचपी एंड यहां पर हम लिख सकते हैं वीपी। अब आपको जैसे कि पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां पे है, ये पॉइंट है, तो मान लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट है जिसका नाम है ये पी। ओके, अब क्वेश्चन के अनुसार ये बोल रहा है कि पॉइंट पी जो है वो एचपी से 30 एमएम अबव है, मतलब ये जो डिस्टेंस है एचपी से जो इसकी डिस्टेंस है ये 30 एमएम दिया हुआ है, साथ ही साथ इसका जो डिस्टेंस है ये वर्टिकल प्लेन से कितना सामने है, तो ये बोला है इट इज 25 एमएम इन फ्रंट ऑफ वीपी। ऑलराइट, तो अब इसका हम, इस पॉइंट पी का हम प्रोजेक्शन कैसे बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमको इसको समझना पड़ेगा कि इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसा और कहां बनता है। तो देखिए कि पॉइंट पी ये है, हमेशा याद रखिएगा कि ऑब्जर्वर जो होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड से ही ऑब्जर्व करता है ये फ्रंट के लिए एंड टॉप के लिए वो ऊपर से ही किसी भी साइड से देख सकता है। तो सपोज कि आप इस कोने में खड़े हैं और इस साइड से हम एक लाइट पास करते हैं और ये एक पी नाम का एक बॉल है,